Hello students, we are studying chapter number 8, atmosphere. So in the previous video we have studied about the importance of atmosphere, and now today composition of atmosphere. So let's start. The atmosphere consists of a number of gases which have almost the same composition everywhere. Pure air consists of nitrogen 78%, oxygen 21%, and 1% other gases, which includes argon, carbon dioxide, hydrogen, helium, and ozone gases. Besides these gases, water vapors, dust, smoke, pollen grains, smoke, etc. are also found. Oxygen is the life-giving gas, although nitrogen is the most plentiful gas in the air. It indirectly helps in the development of plant life. Water is formed when oxygen and hydrogen combines. Water and carbon dioxide are both necessary for the growth of plants. Ozone gas protects us from the ultraviolet rays of the sun. The air surrounding the earth is called atmosphere. The atmosphere extended approximately 1600 kilometers from the sea level. Atmosphere is a mixture of different gases. The atmosphere contains nitrogen 78%, oxygen 21%, 99% including both, 1% argon, carbon dioxide, hydrogen, helium, and ozone gases. Oxygen is the life-saving gas and ozone is the life-protecting gas. So students, जो हमारा एटमॉस्फियर है, एटमॉस्फियर का कंपोजिशन कैसे होता है, तो एटमॉस्फियर बहुत सारी गैसेस से बनता है. नंबर ऑफ गैसेस में यूज की जाती है, नंबर ऑफ गैसेस में इंक्लूड रहती हैं, मिक्स रहती हैं, और इन सबको मिला करके जो हमारा एटमॉस्फियर है वो बनता है. जो हमारी प्योर एयर है वो नाइट्रोजन उसमें होता है 78%, ऑक्सीजन 21%, और 1% में अदर गैसेस होती हैं, जैसे ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन गैसेस, ये सारी 1% होती हैं. 1% में सारी मिक्स होती हैं. इन सब के साथ साथ वाटर वेपर्स, डस्ट, स्मोक, पोलन ग्रेन्स, ये सारी चीजें भी जो एटमॉस्फेयर है उसमें पाई जाती हैं. ऑक्सीजन जो है वो लाइफ गिविंग गैस है, सभी जानते हैं. और इसके साथ साथ जो नाइट्रोजन है वो भी बहुत यूजफुल गैस है एयर में, वो भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल, बहुत ज़्यादा मात्रा में भी होती है. और इसके साथ साथ जो इनडायरेक्टली हमारे जो प्लांट लाइफ है उसको डेवलप करने में हेल्प करती है. वाटर जो है, वाटर वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कम्बाइंड. आप जानते हैं जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो वाटर फॉर्म हो जाता है, वाटर बन जाता है. वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर बोथ, जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों भी प्लांट्स की ग्रोनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. जो ओजोन लेयर होती है आप जानते हैं, वो अल्ट्रावायलेट सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है, जो कि स्किन डिसीजेज का, स्किन कैंसर का कारण बनते हैं. तो जो हमारे चारों ओर जो हमारे आसपास जो हवा है, उस अर्थ पर जो हवा होती है उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है. जो एटमॉस्फेयर है वो 1600 किलोमीटर है लगभग सी लेवल से. एटमॉस्फेयर जो है वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और दोनों मिलाकर के 99% हो जाते हैं. 1% में ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन गैसेस आती हैं. ऑक्सीजन जो है वो लाइफ सेविंग गैस है, और जो ओजोन है वो प्रोटेक्टिंग गैस है, जो कि हमारा प्रोटेक्शन करती